गांजा कैंसर के रोगियों के स्वास्थ्य में कई तरह से सुधार कर सकता है। जैसा कि हाल ही में इजराइल के एक रिसर्च में पाया गया है, अधिकांश कैंसर रोगियों के लिए गांजा किसी न किसी तरह से मददगार होता है। फिर भी गांजा की कानूनी स्थिति ने कई देशों में शोधकर्ताओं को संपूर्ण साक्ष्य प्रदान करने से रोक दिया है। शुक्र है इजराइल में गांजा स्रोत ले रहा है, जहां वैद्यकीय गांजा कानूनी है। सिर्फ इस वर्ष 200 कैंसर के रोगियों के एक अध्ययन में पाया गया कि मारिजुआना कैंसर और कैंसर से संबंधित सभी लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैंसर में गांजा के 10 फायदे। गांजा कीमोथेरेपी के कारण होने वाली उल्टी और मतली कम करने की क्षमता रखती है। ये इतना प्रभावी है कि 1985 से कीमोथेरेपी पीड़ित नली और उल्टी के इलाज के लिए FDA द्वारा THC मारिनोल के एक गोली फार्म को मंजूरी दी गई है। कीमोथेरेपी के तहत आने वाले सामान्य वजन बनाए रखना रोगियों का अक्सर मुश्किल लगता है। शुक्र है गांजा न केवल उल्टी को दूर करता है, लेकिन भूख को भी प्रोत्साहित करता है। कैंसर के रोगियों के लिए गांजा भोजन सेवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और वजन का अस्वस्थ नुकसान रोक सकता है। कैंसर के मरीज अक्सर अवसाद जैसे मनोदशा संबंधी विकारों से पीड़ित होते हैं। हालांकि एक कोई रहस्य नहीं है कि गांजा उपयोगकर्ताओं को अच्छा महसूस करवाता है, क्योंकि ये बहुत अनुसंधान में प्रमाणित हुआ है कि गांजा के रसायनों में महत्वपूर्ण विरोधी चिंता और एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव होते हैं। गांजे का एक अन्य प्रसिद्ध प्रभाव दर्द से राहत है, और जब इसके लाभों में क्रोनिक दर्द विकारों की एक सीमा होती है, तो अध्ययनों से पता चलता है कि गांजा कैंसर में दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है। कैंसर वाले मरीज अक्सर नींद की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जिनमें सोते रहना और नींद बनाए रखने में कठिनाई भी शामिल है। दूसरी ओर नींद गांजा के सबसे अधिक दुष्प्रभावों में से एक है। THC को कीमोथेरेपी के तहत आने वाले रोगियों को नींद में सुधार करने के लिए भी दिखाया गया है। किसी भी कैंसर रोगियों को जोन रोग होना आम बात माना जाता है, और गांजा को एक काम उत्तेजक के रूप में उपयोग करने का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन भारत में कम से कम 3000 साल पहले गांजा को एक काम उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता था। गांजा के रसायन पाचन तंत्र को विनियमित करने में मदद करता है और आंत्र को विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि गांजा भड़काऊ आंत विकारों में आंत आंदोलनों को कम करने में मदद करता है। खुजली विभिन्न कैंसर के साथ साथ कैंसर उपचारों का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। जबकि कैंसर के रोगियों में खुजली के अंतर्निहित कारण अलग अलग होते हैं, गांजा कुछ रोगियों को इस परेशान लक्षण से निपटने में मदद करता है। कैंसर के रोगियों को दिन में थकान और नींद महसूस होता है। दिलचस्प
बात यह है कि गांजा दिन की थकान का सामना करने में मरीजों को मदद करता है और रात को भी गांजा नींद आने में सहायक है। कैंसर में गांजा का सबसे आशाजनक लाभ कैंसर का ही इलाज है, जबकि पूर्वकाल संबंधी अध्ययनों में कैंसर की कोशिकाओं को मारने और रोग को फैलाने से रोकने के लिए गांजा की क्षमता का समर्थन किया है। लेकिन चिकित्सा समुदाय बताता है कि मानव अनुसंधान की कमी है। मैं हूं विक्रम, आप देख रहे थे मेरी चैनल थिंक बेटर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ये सभी फ्री है।